तो दोस्तों ये कुर्ती के दाल मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके इसको टुकड़े में तोड़ लूँगी फिर मिक्सी में। और ये दाल खाने से पथरी नहीं होता है, तो मैं ये हरदम लेके आती हूँ और बनाती हूँ। तो फ्रेंड सारा काम कर लिया हूँ, सारा काम करके मैं सोची आज खाली हूँ तो फ्रिज सफाई कर लेती हूँ। तो आज फ्रिज सफाई कर रही हूँ, पहले सारा सामान मैंने निकाल ली हूँ। सारा सामान निकालने के बाद ये फ्रिज के सारा पार्ट जितना है निकलने वाला, तो मैं सारा निकाल लूँगी। पहले सो सब्जी के टोकरी निकाल लेती हूँ और उसके बाद ये साइड में जो है ये सब निकाल लेती हूँ। निकाल के सफाई करने में अच्छा मतलब होता है। तो दोस्तों फ्रिज में पहला बार निकाल रही हूँ, मतलब इससे पहले निकाल के सफाई नहीं करी हूँ। डीप क्लीनिंग आज कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग तो बहुत दिन हो गया तो करी नहीं हूँ, तो सोची डीप क्लीन कर देती हूँ और इसका आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं सारा निकाल लिया हूँ, वो शीशा उसा जो भी था रखने वाला सारा निकाल ली हूँ। निकाल के अब मैं इस बाल्टी में ली हूँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा और थोड़ा सा सर्फ लेके घोल लिया हूँ। और ये जो है मेरे हाथ में जिससे मैं सफाई कर रही हूँ, तो ये कोई हार्ड नहीं है, ये मच्छरदानी जो होता है ना लायलन का एकदम सॉफ्ट वाला, उसको मेरे फट गया था मच्छरदानी, तो उसी को काट के और लेके आई हूँ। तो उससे बहुत अच्छा सफाई हो जाता है फ्रेंड। तो उसे सफाई कर ली हूँ, करने के बाद एक सूखा कपड़ा लेके उसको पोंछ लेती हूँ। और पोंछने के बाद इस तरह से पूरा शीशा पोंछ ले, नीचे वाला दोस्तों नहीं निकला मेरे, तो मैं निकाली नहीं हूँ, ज़बरदस्ती नहीं करी हूँ, क्या टूट टूट जाए। तो ऊपर सारा निकाल ली हूँ और अब बाहर भी थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। बाहर ये वही सूखा कपड़ा से पोंछ देती हूँ, उसके बाद कॉलिंग से थोड़ा सफाई कर दूंगी। तो मैं पोंछ लेती हूँ अच्छी तरह से। और फ्रेंड मेरे फ्रिज बहुत टाइम हो गया, 6 6 7 साल तो हो ही गया है। तो मैं बाहर भी अब कॉलिंग से सफाई कर लेती हूँ, करके अच्छी तरह से पोंछ देती हूँ। पोंछने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा लुक है। तो मैं पोंछने के बाद फिर आगे पीछे पूरा पोंछ लेती हूँ। पोंछने के बाद फिर सेटिंग करूँगी फ्रेंड। ये सारा है जो शीशा, ये सब पहले साफ कर लेती हूँ फिर सेटिंग करूँगी। तो मैं उसी जो बाल्टी में लाई हूँ उसी से साफ कर रही हूँ। ये खोलने का कोशिश कर रही थी ये शीशा निकालने का, लेकिन निकाल नहीं पाई, तो मैं ऐसे ही साफ कर दी, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की, क्या है टूट टूट जाएगा। तो और ये मैं वीडियो फास्टिंग कर रखी हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, करीब 1.25 घंटा लग गया था मेरे सफाई करने में, तो इसलिए मैं वीडियो फास्टिंग कर दी हूँ। सब आप लोग भी को सबके पास टाइम नहीं रहता है, मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, तो इसलिए फास्टिंग कर दी हूँ। और कोई नया है जो वो लोगों को काम आ जाएगा। पहले शुरू शुरू में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे सफाई करें, तो फिर मतलब ये जो है जानकारी मिल जाता है देखने के बाद। और फ्रेंड वीडियो अब आप लोग देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक वीडियो देखिएगा, और जो लोग देखते हैं उसके लिए शुक्रिया धन्यवाद। जो है ना आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं उसके लिए धन्यवाद। तो मैं सफाई हो गया है मेरे, सेटिंग कर देती हूँ सब। सेटिंग करने के बाद आप लोगों को लुक दिखाती हूँ कैसा है लुक, मतलब कैसे सफाई हुआ। तो देखिए दोस्तों सस्ता में कम खर्च में और सफाई और बहुत आसानी से मतलब सफाई हो जाता है, बहुत अच्छी तरीका से सफाई हो जाता है। देखिए फ्रेंड अब मैं ये साइड में लगा रही हूँ और साइड में लग जाएगा, और उसके बाद दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा सफाई हुआ तो। देखिए बहुत अच्छा लुक आया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब। अब सफाई कर दी हूँ, सेटिंग भी कर दी हूँ। तो वीडियो यहीं तक,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड आज के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।